अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लेट्स ओपन पेज नंबर 30। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बूटिंग अप BIOS पढ़ा था, दैट स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बूटिंग अप हमने पढ़ा था टू स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग अप। फिर हमने बूट सीक्वेंस एंड बूट लोडर पढ़ा था और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज डाटा ट्रांसमिशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें जो मेन फंक्शन है मींस डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस फंक्शन आर डिस्क्राइब लो। उसके अलावा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग करता है वो आगे मेंशन है हमारे पास। सबसे पहला जो है इसका बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। बूटिंग अप तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग अप। यूज़र इंटरफेस वो होता है, यानी वो स्क्रीन जब अपीयर होती है ऑन होने के बाद, जिसमें कंप्यूटर अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है और यूज़र कम्युनिकेट कर सकता है अपने कंप्यूटर के साथ, वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है, उसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हेल्प इन द बूटिंग अप प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही की वजह से क्या होता है, बूटिंग अप प्रोसेस, यानी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो उसके इनिशियल प्रोसेस होता है वो कहलाता है बूटिंग अप। वंस द कंप्यूटर हैज़ बीन बूटेड अप, यानी जब एक दफ़ा कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, द यूज़र कैन वर्क ऑन इट। हम क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। एन इंटरफेस इन द वे इन विच टू पीपल कम्युनिकेट। अ यूज़र इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस क्या होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद वो इंटरफेस जिसमें हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें लगता है कि अब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब हम काम कर सकते हैं, हम माउस को यूज़ करते हुए या कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी जब काम करते हैं, तो वो जो इंटरफेस होती है, वो जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होती है, वो कहलाती है यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग प्रोग्राम। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमें पता होता है हमारी फलां चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, हमारे बैग में हमारी कौन सी नोटबुक पड़ी है नहीं पड़ी। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने फाइल्स फोल्डर को लोकेशन के ऊपर रखता है, उनको मैनेज करता है। तो नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग प्रोग्राम। द ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एज इन बिल्ट कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम खुद से डाउनलोड करते हैं, ये खुद अपने कंप्यूटर में जो सेव करते हैं, ताकि हम डिफरेंट जो है टास्क परफॉर्म कर सकें थ्रू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। दैट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। एनी प्रॉब्लम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स दैट नाइदर सिस्टम और नॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन वर्क प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी किस्म की खराबी जो हो जाए ना, इसका मतलब है ना तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, ना ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्यूटर के ऑलरेडी स्टोरेज में चीज़ें पड़ी हुई हैं सिस्टम, ना तो वो चलेंगे और ना ही जो आपने डाउनलोड किए हुए चीज़ें हैं, जो आपकी जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है डिफरेंट वर्क के लिए, तो क्या होंगी, नहीं चलेंगे। जैसे मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो कुछ उसकी पहले से ही मौजूद ऐप्स और चीज़ें होती हैं और कुछ हमको लोग खुद डाउनलोड करते हैं, जो जैसे मोबाइल की वर्किंग के लिए उसका जो सिस्टम है वो जो प्रॉपर, जैसे मैसेज का ऑप्शन है, कॉल का, तो ये क्या है, एज बिल्ट है, ये इसका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम खुद से डाउनलोड करते हैं ऐप्स का अपने वर्किंग के लिए, वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी भी किस्म की कोई खराबी हो तो क्या होगा, ना तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेंगे, ना ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है बूटिंग अप, यानी कंप्यूटर को बूट करना, स्टार्ट करना, उसके बाद वो इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसमें यूज़र और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैनेजिंग प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बूटिंग अप करने के साथ साथ फाइल्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है।
Next है मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन फाइल एंड फोल्डर बाय स्टोरिंग ईच फाइल एट द यूनिक लोकेशन ऑन इट्स मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के साथ साथ फाइल्स और फोल्डर को भी, जो हम लोगों ने कंप्यूटर के अंदर अपनी फाइल्स या कोई फोल्डर बना के रखे हुए हैं, जैसे ऑडियो फोल्डर अलग होता है, वीडियो पिक्चर्स का अलग होता है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर्स होते हैं, तो क्या होता है कि इनको अपनी स्टोरेज के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर रखता है और इन्हें मैनेज करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो चेंज द लोकेशन ऑफ अ फाइल इफ़ रिक्वायर्ड बाई द यूज़र. और अगर यूज़र कोई लोकेशन, कोई फाइल जो है स्टोरेज में, उसकी जो लोकेशन चेंज करना चाहे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी मैनेज करता है, यानी उसकी लोकेशन चेंज भी करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र. इट ऑल्सो अलाउ द सेम फाइल टू बी यूज बाई टू डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम. क्या होता है, ये सेम फाइल्स को अगर हमें एक फाइल किसी दो एप्लीकेशन में यूज़ करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं. ये भी मैनेजिंग, इसकी मैनेजमेंट कौन देखता है, वो भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी मैनेजमेंट देखता है. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइस, यानी डिफरेंट जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, अगर हम प्रिंटर अटैच करते हैं, कोई स्कैनर लगा हुआ है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो कंप्यूटर, इन तमाम जो डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हैं उनकी भी वर्किंग को कंट्रोल करता है. ये नहीं है कि अगर हम माउस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से कीबोर्ड की जो टाइपिंग स्टार्ट हुई भी हो, यानी हर एक डिवाइस की कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम डिवाइसेस सच एज पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ड्राइव्स. यानी क्या होता है, जब कंप्यूटर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसकी साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, और जो भी उसकी स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे हम यूएसबी यूज़ कर लें कोई इसके साथ, तो क्या है, उसकी कंट्रोलिंग कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट द डिवाइसेस परफॉर्म द एग्जैक्ट फंक्शन दैट इज नीडेड बाय द यूज़र. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ की मैनेजमेंट को भी देखता है कि हर डिवाइस वही टास्क परफॉर्म करे जो कि यूज़र चाहता है. यानी ये नहीं है कि यूज़र राइट क्लिक कर रहा है तो कंप्यूटर जो है लेफ्ट क्लिक कर रहा है, यूज़र ए टाइप कर रहा है तो कंप्यूटर पे बी लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. यानी जो चीज़ यूज़र परफॉर्म कर रहा है सेम वही डिवाइस एग्जैक्टली वही टास्क परफॉर्म कर रही है कंप्यूटर सिस्टम के साथ. इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, यानी डिवाइसेस वही काम करें जो एक यूज़र जो है टास्क परफॉर्म करना चाहता है, वही एप्लीकेशन खोलता है. जैसे हम अगर कोई एक एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं वर्ड की, तो ये नहीं है कि कंप्यूटर खुद ब खुद एक्सेल की एप्लीकेशन खोल देगा. यानी ये डिवाइसेस और एप्लीकेशन के दरमियान में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है. और नेक्स्ट पेज पे मूव करें, आगे लिखा हुआ है क्या, मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मीन एक ही वक्त में डिफरेंट जो है काम करना. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक इट इजी टू मल्टीटास्क. मल्टीटास्किंग मीन डूइंग टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम. यानी एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा काम करना क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप आ सकते हैं, व्हाट इज मल्टीटास्किंग. और ये जो क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है. द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यूजर यूज सेवरल डिवाइसेस एंड वर्क ऑन सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम एक वक्त में एक से कई ज़्यादा काम कर सकते हैं. तो क्या होता है, जब हम एक जो भी प्रोग्राम है उसको मिनिमाइज करने के बाद साथ ही दूसरा ओपन कर लें, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी टास्किंग. तो स्टूडेंट, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस जो है वो पढ़े हैं अपने लेक्चर में. आपने इन फंक्शंस को अपनी नोटबुक पे लिखना और याद करना है, और यही हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.